मुकाबला है गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर, जहां एक तरफ है योगी के सियासी उत्तराधिकारी और भोजपुरी स्टार रवि किशन, तो वहीं दूसरी तरफ भी मुकाबला भोजपुरी स्टार से है, जहां से समाजवादी पार्टी ने भी काजल निषाद को उतारा है। काजल निषाद और रवि किशन के बीच गोरखपुर में मुकाबला कड़ा है, लेकिन इस चुनावी गहमा गहमी के बीच काजल निषाद की तबीयत बिगड़ गई है। इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार काजल निषाद को हार्ट अटैक आने के बाद लखनऊ रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। काजल निषाद की 5 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई थी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। लखनऊ में इलाज के दौरान काजल की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। काजल निषाद की अगर बात की जाए तो गोरखपुर में वो रवि किशन को कड़ी टक्कर देंगी। इसकी बड़ी वजह है उनका स्टारडम। यही वजह है कि अखिलेश की पार्टी ने ये मुकाबला भोजपुरी स्टार वर्सेस भोजपुरी स्टार का बना दिया है। काजल निषाद भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा नाम है और उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा कई टीवी सीरियल में भी वो दिख चुकी हैं। काजल मशहूर सीरियल लापतागंज में भी नजर आई थी। काजल निषाद समाजवादी पार्टी से पहले कांग्रेस से जुड़ी रही। उन्होंने 2012 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार मिली, लेकिन तब भी वो एक्टिंग में सक्रिय रही। 2021 में वो समाजवादी पार्टी से जुड़ी। 2022 में विधानसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन वहां भी उनको हार मिली। काजल के सामने इस बार सीएम योगी के गढ़ में जीत की बड़ी चुनौती है, वो भी तब जब बीजेपी बार बार इस सीट पर अपना दबदबा पेश करती आई है। काशी के बाद जो सबसे हॉट सीट है, ये पूज्य महाराज जी की सीट है गोरखपुर। यहाँ से मुझे दोबारा मौका दिया, मैं पूरा अपने संगठन को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस भरोसे को कायम रखूंगा। दिन रात जैसे 5 साल मेहनत करता रहा, सदन हो या सड़क हो, गोरखपुर की हर जगह मैं पाया गया, मैं उसी को कायम रखूंगा। अगर गोरखपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ गोरखपीठ का दबदबा माना जाता है। इस लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट से 5 बार सांसद रहे हैं। 1989 के बाद इस सीट पर ज्यादातर बीजेपी का कब्जा रहा है। सिर्फ एक बार समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, जब 2018 के उपचुनाव में प्रवीण कुमार निषाद ने जीत हासिल की थी। उसके बाद 2019 में रवि किशन ने जीत हासिल कर वापस इस सीट को बीजेपी के खाते में डाल दिया था। बार बार हार के बाद भी समाजवादी पार्टी काजल पर विश्वास दिखाती रही है और इस बार समाजवादी पार्टी ने काजल पर दांव लगाकर यादव मुस्लिम और निषाद वोट बैंक पर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।